सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद एंडर व्लॉग। तो यार आपका भाई बहुत दिन बाद वापस आ चुका है। तो यार ये देखें जी, समझ तो आप गए होंगे कि बसंत का सीन ऑन है बाबा जी, छाते गुड़िया का सीन भी ऑन है। मतलब कि यार बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब कि गुजरा दिन, दो चार दिन जो छुट्टियां की है आपका, मतलब कि मेरे स्किन से मतलब पता लगे होगा डल डल हुई है, फुल गुड़िया छुट्टी उड़ाई है हमने, रोजा भी रखा था, लेकिन फिर भी मतलब के बसंत पसंद वाला सीन किया। तो मैंने कहा चलो यार खुद तो इंजॉय करते हैं तो साथ अपने दोस्तों को भी इंजॉय करवाया जाए। तो मेरे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ एक गुड्डा, मतलब दो गुड्डे रह गए हैं, और जो छापर छुपर के उसको हम गुड्डा नहीं मानते, छापरियों को वैसे हम दूर रखते हैं, और छापरियों को वीडियो से भी दूर रखा करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक एक बड़ा गुड्डा एक छोटा गुड्डा कदम गड़बड़ा हुआ है। तो वो भी आपका भाई कॉलेज से आ गया, रेड शेडी हो गया। मैंने कहा तुहानू भी इंजॉय शुमया कराया जाए, थोड़ा जहा बसंत पसंद दिखाई दिए, कैमे बनाई दिए। तो आज हम आपको बताएंगे औरनाबाद में बसंत किस तरह मनाई जाती है। तो अभी बाहर बूर निकलते हैं, देखते हैं कि बच्चे पतंग पतंग कोई उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे, उनके साथ पेचा पूचा लगाएं, मेरे पर डोर भी थोड़ी सी रह गई है पेचे लगा लगा के। तो अगर कोई मतलब कि उड़ा रहा हो तो हम भी उड़ाएंगे, अगर ना भी उड़ा रहा हो फिर भी हम उड़ाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को अपना ये पतंग दिखा दूँ, ये जिसके हालात इस टाइम ये हो चुके हैं, ये पाकिस्तान का पतंग है, मतलब कि पाकिस्तान के झंडे वाला, और इसके ऊपर सितारा सा बना हुआ है। और ये क्या है, और मेरे पास काफ़ी सतरंगी गुड्डे वगैरह मतलब काफ़ी पड़े हुए थे, उड़ा उड़ा के मैंने मतलब के ख़त्म कर दिए, कटवा दिए, काट दिए, दोस्तों को दे दिए। तो चलो यार पहले मैं खाना खुना खा लेता हूँ, चाचू को चलते हैं, चाचू की छत पे मुड़ाएंगे, तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। फाइनली यार छत पे हम आ गए, और ये चेक कर रहे हैं कि भाई ने गुड्डा ऊपर चढ़ा लिया, और सामने छापर ही उड़ रही है, और ये दोस्त का गुड्डा आ गया एक, और एक वो सामने उड़ रहा। तो अभी इनके साथ सीन शुरू बनाते हैं, वो सामने छात पे लड़का नज़र आ रहा है आपको, एक हाथ मैंने गुड्डा पड़ा और ना मैं आपको जूम करके खाता। तो गुड्डा छुड़ा चढ़ा लिया आपके भाई ने भी, आपका भाई ये देखो ये पेचा लग रहा है, ये पेचा पहले इंजॉय करो, ये दोस्त लगा रहा है पेचा, और हम भी इसके साथ पेचा लगाते हैं, इंजॉय करते हैं, और हमारा गुड्डा फुल भारी हुआ पड़ा है, और ये भी डूबने लगा था मेरा गुड्डा, इसलिए मैंने रोक दी। ओ सामने कट गया वो देखें, और अब हम लगाते इसके साथ बेचा। भाई साहब एक और आ चुका है पतंग, ये चेक करें कितने डोरों पे आ रहा है पीछे से, ओए होए होए फूल पेचे गली तैयार है भाई साहब, बादल चेक करें कितने ऊपर से, और ये दोस्त का पतंग आ गया, और एक इस साइड पर भी मेरा पतंग उड़ रहा है, मतलब कि भी उसने उड़ाना शुरू किया, और वो पतंग देखें कितना मतलब कि गोद खा रहा है वो कहीं पीछे से ही आ रहा है, इधर से देखिए पतंग उड़ना स्टार्ट हो गए हैं। आपका भाई आता गया तो आते ही सारे पतंग उड़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी लगाते हैं पेचा, सीन सुन ऑन करते हैं, इनके साथ भी कोई काटते हैं कटवाते हैं, घर को जाते हैं। तो मैं अपने पतंग साथ भी इंजॉयमेंट कर रहा हूँ, तो चलो कोई अगर सीन सून बना तो फिर आपको बताते हैं। तो बाबा जी चेक करो, सारे काटते ताड़े भरा ने, सिर्फ अपना रह गया, देखो गए म्हल्ले का रह गया, इर्द गिर्द सारे मैं खाली करता वेल पाती, तो एक सामने उड़ के आ रहा हूँ ओदी बारी है। आपा बाबा जी फुल है गुड्डे बाद टेंशन वाली गल ही कोई नहीं, सारे कट देंगे, ऐसी ऐसी गल ही नहीं है। तो वो पेचा पूचा लगता सीन सून बनता है, तो फिर दोबारा कैमरा ऑन कर लेंगे यार, पिछले बार कैमरा ऑन कर नहीं पाया क्योंकि मैं कला जाना वा, तो मैं पेचा लावगा कि कैमरा ऑन कराँगा, ऐ रौला वा हूँ, तो छोटा कजन घर आने वाला वा, तो उन्नी देर तक वेट करते हैं, फिर पेचा पूचा लावे, तो फिर तुम्हें भी शुगर शुगर विखावे। यार आपका भाई आ चुके हैं पतंग उड़ा के आपके भाई ने तीन गुड्डे काटे और एक छापरी परी काटी है। यार मैं अकेला था, आपको बताया था मतलब कि बता नहीं सका मैं, लेकिन बीबी में मैं बताता भी रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अकेडमी, तो इसी ब्लॉग को यहाँ पर करते हैं ख़त्म। मेरे कहता हूँ लोग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलेंगे नहीं ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।